देखिए हम आपको तैयारी करा प्रॉपर्टी का। पिछले क्लास में 9 क्वेश्चन हम लोग पढ़, आज क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाने जा रहे हैं। कराए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ए भी आप लोगों के पढ़ाया डिवीजन ऑफ पॉइंट, और 9 के बी में क्या है, एक्सप्लेन एक्स रॉल्स लॉ एंड डिराइव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही क्वेश्चन आपके 10 का ए और 10 के बी में हो सकता है। लैंग्वेज लिखने में कोई आगे पीछे लैंग्वेज कुछ और लिखा होगा आपके, तो हम आपको क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं उसमें, लेकिन क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन कहता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, दूसरा कहता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रॉल्ट ने क्या नियम दिया था, और इसी में तीसरा ये क्वेश्चन कहता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है। तो एक एक करके हम लोग सभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 के ए में आंसर क्या होता है। याद करो हम आपको पढ़ाए थे कि आप मान लो कि एक पानी है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। अब जब आप इसमें क्या करोगे, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दोगे, क्या मिक्स कर दोगे, कोई सा भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नमक यूज कर सकते हो, चीनी यूज कर सकते हो, तो आपका इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। पानी 0 डिग्री से जमता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा ना वो 0 डिग्री सी पे नहीं जमेगा, उससे कम टेम्परेचर चाहिए। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि -2 डिग्री सी पर ये क्या होगा, जमने लगेगा कौन, सॉल्यूशन। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया, घट गया, और इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल करने का चीज है। एक ग्लास में प्योर वाटर ले लो और दूसरे ग्लास में वाटर में पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दो और उसको ठंडा होने के लिए फ्रीजर में डाल दो। आप देखोगे कि पहले पानी जो है वो फ्रीज हो गया और जो सॉल्यूशन है उसको फ्रीज होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही फ्रीज हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन बन गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो उसको और नीचे के टेम्परेचर पे जमना होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और माइनस में चला जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, आप कहेंगे कि व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ओ माइनस टी एस। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला टी ओ माइनस टी एस, जहां टी ओ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी एस क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कहने का मतलब है, आप लोग समझ रहे होंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि जब भी किसी सॉल्वेंट में
एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, घुला देते हैं। तो उस सॉल्वेंट, जैसे ही वो सॉल्वेंट कन्वर्ट कर जाता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, और चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, एंड देयरफॉर दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए समझ लीजिए क्या आप लिखेंगे। आपको लिखना होगा किसी विलायक में, ध्यान से सुनना, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घुलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एक्स से सूचित करते हैं। तो डेल्टा टी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है टीओ माइनस टीएस, जहां टीओ क्या है विलायक का हिमांक और टीएस क्या है विलयन का हिमांक। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार फिर से समझ लो, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस and this phenomenon is called depression in freezing point, it is represented by delta Tf. So, उम्मीद करते हैं कि delta A define depression of freezing point. Depression of freezing point क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेन का B, यानी explain Rolle's law for depression in freezing point. कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रॉल्ट ने क्या नियम दिया था, इस बात को समझते हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग बात करते हैं 10 के बी नंबर क्वेश्चन के लिए। जब आपको इच्छा होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि हम आपको नोट्स अवेलेबल कराए हैं और आप नोट्स से काम करेंगे। अगर आपके पास किसी के पास नोट्स नहीं मिला होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 9473162349 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको मैसेज करें, हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। जो केसेस क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन और आंसर रिटेन फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो खैर वो बात की बात है, लेकिन पहले बात करते हैं कि टेन का ए आपको समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा। अभी बात करते हैं टेन के बी का, रॉल्ट का नियम क्या है फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और आपको 10 का बी नंबर क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। बी नंबर का आंसर बता रहे हैं 10 के बी का। रॉल्ट ने दो नियम दिया था, मिस्टर रॉल्ट वाज प्रपोज्ड टू लॉज फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक उसी तरह जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग पढ़े थे, कल जो हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में रॉल्ट का नियम, सिमिलरली सेम टू सेम वैसा ही रूल्स है, वही नियम है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़े थे। बस अंतर क्या है कि वहां पर हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज करते थे, यहां पे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यूज करेंगे। केवल टर्म बदल गया, थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। यानी रॉल्ट ने दो नियम दिया था, मिस्टर रॉल्ट वाज प्रपोज्ड टू लॉज फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट लॉ, सबसे पहला लॉ की बात करते हैं। पहले नियम में उन्होंने क्या बताया? पहले नियम में उन्होंने ये बताया कि द डेल्टा टी एफ, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम। सीएम बोले तो क्या? मोलालिटी। देखो रूल न, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना, रूल न समझ लेना। अगर रूल समझ है ना तो लैंग्वेज तो खुद लिख दोगे, कोई बड़का बात नहीं होता है ना, बहुत आसान होता है। केमिस्ट्री में ना रूल्स लिखना इतना आसान है कि मत, और सबसे आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। लेकिन बस क्या है ना कि आपको समझना होगा कि हुआ क्या, एक्चुअली क्या है। आपको अगर रॉल्ट का फर्स्ट लॉ केवल पूछे ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल सी एफ।
डेल्टा टीएस क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सीएम क्या है? मोलरिटी। तो अब क्या कहोगे अगर फर्स्ट लॉ पूछेगा तो? सिमिलरली एकदम आसान लैंग्वेज होगा, क्या कहेंगे? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। क्या कहेंगे कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन मोललता के सीधा समानुपाती होता है। दैट्स इट, खत्म हो गया रूल। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल सी एम। तो आप लोग जानते हो जब प्रोपोर्शन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, यहां पे कांस्टेंट आ गया के एम। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया? के एम इंटू सी एम हो गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। जहां के एफ क्या हो गया? एक कांस्टेंट है, इसका नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। कभी कभी इसको फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ही यूज करने के लिए मिलेगा, ज्यादातर यही यूज किया जाता है। और भी कई नाम है लेकिन ये नाम याद रखना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ का। उन्होंने दूसरा नियम क्या दिया था इस बात के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ पहले समझ लो फिर लैंग्वेज भी बता देते हैं, पहले समझ लो। मान लो क्या होगा कि एक किलोग्राम पानी ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर एक बीकर में, और एक दूसरे बीकर में फिर हम लोग ले लेते हैं एक किलोग्राम पानी। इसमें मान लो कि वन मोल यूरिया घुला दिए, और इसमें मान लो कि वन मोल ग्लूकोज घुला दिए, और चेक करो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ। अब अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि डेल्टा टी एफ, अगर इसका इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है अगर एक डिग्री से कम हो गया तो इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एक डिग्री से कम हो जाएगा, बराबर ही घटेगा। और यही है सेकेंड नियम। दूसरा नियम रॉल्ट का यही है कि अगर दो सॉल्यूशन, दो सॉल्वेंट में किसी सॉल्वेंट के बराबर अमाउंट में, अच्छे से समझो, किसी सॉल्वेंट के बराबर बराबर अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट का बराबर बराबर मोल अलग अलग घुला दे तो हर एक सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो बराबर होगा। और यही है दूसरा नियम। तो एक बार समझो अच्छे से कि रॉल्ट का दूसरा नियम क्या है। रॉल्ट ने यह बताया कि यदि किसी विलायक के समान मात्रा में, ध्यान से सुनना, अच्छा बात है, आसान बात है, तुरंत लिखा जाएगा, यदि किसी विलायक के समान मात्रा में भिन्न भिन्न विलेयों की सम आणविक मात्राएं, सम आणविक मात्रा मतलब बराबर बराबर मोल, तो भिन्न भिन्न विलेयों की सम आणविक मात्राएं अलग अलग घुलाई जाए तो प्रत्येक विलयन के हिमांक का अवनमन एक समान होता है। यही है रॉल्ट का दूसरा नियम। इट मीन्स दैट व्हेन इक्विमोलिकुलर अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन दूसरा नियम क्या है? रॉल्ट ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या नियम दिया, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। रॉल्ट ने दो नियम दिए। पहला नियम इन्होंने कहा कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा नियम इन्होंने कहा when equimolecular amount of different solutes dissolve in same amount of solvent separately, the depression in freezing point of each solution must be equal and this is called Rolle's law. इसे ही हम लोग रॉल्ट का नियम कहते हैं। यानी रॉल्ट ने दो नियम दिया। रॉल्ट ने हिमांक के अवनमन के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया। पहले नियम के अनुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसके मोललता के सीधा समानुपाती होता। दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी विलायक के समान मात्रा में भिन्न भिन्न विलेयों की सम आणविक मात्राएं अलग अलग घुलाई जाए तो प्रत्येक विलयन के हिमांक का अवनमन एक समान होता, और इसे ही रावल का नियम यानी राउल्ट का नियम कहा जाता है। इसके लिए हिमांक के अवनमन के लिए तो उम्मीद करते हैं कि रॉल्ट ने क्या नियम दिया था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझो, इसी में एक और क्वेश्चन है। दे राइट
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कभी कभी आपको ये कंबाइंड करके पूछेगा और कभी कभी इसको सेपरेट कर देगा, अलग से पूछेगा। तो कंफ्यूज नहीं करना, अगर साथ में पूछे तो भी ठीक है, अगर अलग से पूछे तो भी ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि डेराइव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। ये वाला इस क्वेश्चन का जवाब बताने जा रहे हैं, इसमें जो तीसरा नंबर है ये थर्ड नंबर दिखाई दे रहा है, हालांकि हम आपको कंबाइंड करके लिखे हुए हैं इसी क्वेश्चन में, कंबाइंड कर दिए हैं। हो सकता है बोर्ड के क्वेश्चन में ए बी सी करके अलग अलग करके पूछे, कंफ्यूज नहीं करना, एक ही चीज होगा। तो अगर ये पूछे डेराइव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय द इक्वेशन ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, तो आंसर आप क्या लिखोगे ये समझो। आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स फर्स्ट लॉ, रॉल्ट के पहले नियम के अनुसार। अभी देखो, तुरंत अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू सी एम, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, जहां सी एम क्या है, सी एम है मोलालिटी, ये क्या है मोलालिटी। अब बुक में ना डिफरेंट डिफरेंट बुक में ये सी एम जो है ना, इसका आपको अलग अलग सिंबल यूज हो सकता है। हम यहाँ पे मोलालिटी को सी एम यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप जो बुक पढ़ोगे उसमें कोई दूसरा सिंबल यूज करेगा, तो एब्रिविएशन अलग हो सकता है, सिंबल अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक थ्योरी में कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यानी हम यहाँ पे सी एम यूज कर रहे हैं, आपके बुक में कुछ और भी हो सकता है, मेबी वन, तो सी एम होता है मोलालिटी। और सी एम का फॉर्मूला याद करो, हम आपको पहला क्लास जब सॉल्यूशन का पहला क्लास पढ़ाए थे उसमें मोलालिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन सब पढ़ाए थे, अगर याद होगा तो ठीक है, और नहीं तो आप लेक्चर वीडियो देखो, आपका एप्लीकेशन पे अपलोडेड है पहला लेक्चर वीडियो, सॉल्यूशन का पहला लेक्चर वीडियो देखो, उसमें आपको मोलालिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन उसके फॉर्मूला सब दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लेना, अगर याद नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा तो। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सी एम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डब्ल्यू इंटू थाउजेंड बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां W क्या है, स्मॉल W क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द यूनिट में ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी वाले लोगों को लगता होगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझो, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, इसको कहते हैं विलेय की मात्रा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, एक ही बात है, केवल लैंग्वेज में फर्क है, लेकिन थ्योरी में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, थ्योरी तो वही है। अब क्या होगा, आपको फॉर्मूला में क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, यानी इस m का फॉर्मूला निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू थाउजेंड बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला किसका निकालना है, स्मॉल m का निकालना है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो स्मॉल m को LHS में कर दो और डेल्टा TF को RHS में कर दो, तो फाइनली स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा KF into W into 1000 by डेल्टा TF into capital W, This is your final answer. आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर पूछे derive the molecular mass of solute by the degradation of breaking point, तो आप यहां से और यहां तक बना डालोगे, आपका answer complete हो जाएगा, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर अलग से ये क्वेश्चन पूछता है तो दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और अगर कंबाइंड पूछता है
डिप्रेशन ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट के साथ, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कम से कम 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे 2 नंबर में या 5 नंबर में, आप इसका आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 10 का ए और 10 का बी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, समझा दिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स हम पहले आपको दे चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित करें। यह है आपका क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, परासरण जब एवं परासरण दाब किसे कहते हैं। तो सबका ध्यान अपने आंसर पे होना चाहिए, ध्यान से देखो, पहले इस बात को समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर, एक बर्तन ले लेते हैं और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ पर हम लगा देते हैं SPM। SPM बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM को क्या कह रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये क्या होता है, ये होता है एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके आर पार सॉल्वेंट तो जा सकता है लेकिन सॉल्यूट उसके आर पार नहीं जा सकता। ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नॉर्मली अगर आप देखना चाहो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम लोग का स्किन, ये जो स्किन है ना बॉडी में, ये जो स्किन है ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। इसके आर पार जो है ना पानी आ जा सकता है, पसीना कैसे निकल जाता है, वो बहुत गर्मी है, कैसे पसीना बाहर आ जाता है, क्योंकि आपका ये जो स्किन है इसमें बहुत बारीक छोटे 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 बहुत बारीक छेद होते हैं, और ये छेद के कारण ये जो है ना, ये एक तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। तो वो बाद में बात करेंगे, और भी बहुत सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक बीकर लेते हैं, बीच में लगा लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली एक तरफ, इधर ले लेते हैं लेट अस कंसीडर सॉल्वेंट, यानी विलायक, छोड़ दो। अब आप देखोगे क्या कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसका लेयर में धीरे धीरे डाउन हो रहा है और इसका लेयर धीरे धीरे अप हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ये इस तरफ जाने लगे, फ्लो करने लगे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, परासरण। बस समझ में आ रहा है परासरण क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप चाहो तो अपने नोटबुक पे इसको नोट भी कर लेना। ऑस्मोसिस क्या है कि व्हेन ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the molecules of solvent started to flow through the semi-permeable membrane towards the solution side and the phenomenon is called osmosis। कि जब किसी विलायक एवं विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करती है तो धीरे धीरे विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। अब यहां पे ध्यान दो,
लेट अस कंसीडर यहां पे से हम प्रेशर लगा दिए, तो जब हम यहां पे लगा देंगे प्रेशर, क्या लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे, तो ये इधर से इधर जाना बंद हो जाएगा। सॉल्यूशन पर अगर हम क्या लगाते हैं, प्रेशर, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन की ओर जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, रुक जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या डिफिनेशन है, अगर कोई पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप कहोगे क्या, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल प्रेशर, फिर से बोल रहे हैं, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, अर्थात किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब, किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जिसके कारण बड़ा सरण रुक जाता है, उसे बड़ा सरण दाब कहते हैं, इसे पाई से सूचित किया जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, कभी कभी दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा पड़ा सरण, उल्टा पड़ा सरण, तो ये क्या है, अगर ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा पड़ा सरण क्या है, तो आप क्या कहोगे, सोचिए। अभी पहले का बात करते हैं, शुरू में जब हम यहां पे प्रेशर नहीं लगाए थे तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा था, जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिए तो रुक गया। और सोचो एक ऐसा प्रेशर लगा देते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल उल्टा जाने लगेगा, सॉल्यूशन से इधर की ओर जाने लगेगा, और चूंकि उल्टा हो गया, ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, इसलिए प्रोसेस को कहेंगे क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा पड़ा सरण। तो क्या कहोगे, डिफिनीशन, पहले डिफिनीशन समझ लो, प्रोसेस तो समझ गए कि उल्टा पड़ा सरण कैसे होता है, लेकिन इसको डिफिनीशन समझो, आपको क्या कहना है, अगर आपसे रिवर्स ऑस्मोसिस पूछे तो आप क्या कहोगे, आपका आंसर क्या होगा, इस बात को समझो, आपको कहना है कि व्हेन द प्रेशर greater than osmotic pressure applied on the solution, its solvent molecule start to flow through the semi-permeable membrane towards the other side, and the process is called reverse osmosis. It is used for the purification of water. आप लोग RO का नाम सुने होंगे, RO, RO, कहते हैं ना घर में कि RO लगवाएं, आरओ नहीं लगवाया जाता है, बता देते हैं आप लोग को, जो लोग साइंस नहीं पढ़ता है ना, जो लोग सामान्य आदमी है, जो केमिस्ट्री नहीं जानता है, जो विज्ञान नहीं जानता है, वो लोग कहता है कि आरओ लगवाएं, अरे आरओ नहीं है, आप लोग घर में जो मशीन लगवाते हैं ना उसका नाम होता है वाटर प्यूरीफायर, क्या नाम होता है, वाटर प्यूरीफायर, लेकिन उसको आरओ क्यों कह देते हो आप, क्योंकि वो मशीन जिस थ्योरी पे काम करता है वो है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप देखोगे, आप लोग जो आरओ खरीद के लाते हो, आरओ हम लोग को तो नहीं कहना चाहिए, वो जो वाटर प्यूरीफायर हम लोग खरीद के लाते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं कि आरओ कहते हैं, यानी वो जो मशीन जिस थ्योरी पर पानी को साफ करता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के आधार पर पानी का प्यूरिफिकेशन करता है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कि आरओ लगवाए। अब आगे से आरओ मत कहना, आगे से कहना कि वाटर प्यूरीफायर लगवाए, और ये जिस थ्योरी पे काम करता है उस थ्योरी को कहते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा पड़ा सरण। अर्थात फिर से समझो, अर्थात जब किसी विलयन पर, सुन लो, जब किसी विलयन पर पड़ा सरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर दूसरी तरफ गमन करने लगते हैं, जिस प्रक्रिया को उल्टा पड़ा सरण कहते हैं। When the pressure greater than the osmotic pressure applied on the solution, its solvent molecule start to pass through
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड द अदर साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. इस प्रक्रिया का इस्तेमाल रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा परासरण का इस्तेमाल जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है. तो उम्मीद करते हैं कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा. हम लोग अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड के एग्जाम में. प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यानी प्रमाणित करें कि परासरण दाब एक अनुष्टंक्यक गुणधर्म है. ये क्वेश्चन आपका पूछता है. तो अगर आपका ये क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, दो नंबर में पूछेगा, दो तीन नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है. तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखोगे आंसर, ये समझो. आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू पेटॉक्स कॉइल लॉ पाई प्रोपोर्शनल वन बाई थ्री. अकॉर्डिंग टू पेटॉक्स चार्ल्स लॉ पाई प्रोपोर्शनल टी. According to Pentox Avogadro's law, pi proportional n. अब तीनों को कंबाइन करेंगे तो pi proportional हो जाएगा 1 by v into t into n. जब proportion आता है तो कोई एक constant आता है. pi is equal to r 1 by v into t into n. तो फाइनली इस v को कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा पाई v बराबर n r t. यहां पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है, v क्या है वॉल्यूम होता है, t क्या है टेम्परेचर है, n क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, और R एक कांस्टेंट है इसका नाम होगा सॉल्यूशन कांस्टेंट वैल्यू 0.0821 पहले भी पढ़ाए हुए हैं. अब यहीं पर आपका आंसर है. अब आप फाइनली आंसर क्या लिखोगे, आपको लिखना है कि सिंस द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट Since the osmotic pressure depends on the mole of solute, it is a colligative property. ये हो गया आपका answer, proof हो गया है. ठीक है, आपको याद करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे कि किसी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, उसके शेप या नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. और यहां फॉर्मूला में पाई भी बराबर एन आर टी आया तो फॉर्मूला में क्या आया एन, और एन क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो चूंकि पाई का फॉर्मूला में एन आ गया और एन क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे मोल्स पर डिपेंड करता है.
और जैसे ही ये उस पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सिंस द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव दैट, चूंकि परासरण दाब विलेय के मोल पर निर्भर कर रहा है अतः परासरण दाब एक प्रकार का अनुसंचक गुणधर्म होता है। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। दो नंबर का क्वेश्चन है, दो मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको बनाने में, बस आपको ध्यान रखना है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तीनों को मिला दो, फॉर्मूला मिलेगा पाई बी बराबर एनआरटी। और जैसे ही फॉर्मूला मिल गया पाई बी बराबर एनआरटी, आप कंक्लूजन लिख दो कि इस तरह से प्रूफ हो गया कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी परासरण दाब एक अनुसंचक गुणधर्म है। ये आपका आंसर प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़े, आप लोग को नोट्स हम भेज चुके हैं, इसका आंसर बजाबते से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उससे आप लोग नोट्स पे उतार लेना अपना। हालांकि अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, वीडियो पॉज कर लेना बाद में, और आराम से अपना जब टाइम मिले वीडियो को पॉज कर करके आप लैंग्वेज भी लिख ले सकते हो, नोट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम एबनॉर्मल व्हाई, विलयन का परासरण दाब और सामान्य हो जाता है क्यों? सिंपल क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। और क्या है इसका आंसर? आंसर ये होता है कि जब भी किसी सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करते हो इसमें सॉल्यूशन में, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या तो एसोसिएट कर जाते हैं या तो डिसोसिएट कर जाते हैं। दो तरीका हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएगा, और अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आप कहोगे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बेटर है, इंक्रीज कर जाएगा। और यही कारण है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में, हालांकि ज्यादा चांस यही क्वेश्चन पूछने का है, मोस्ट प्रोबेबली है कि यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा बहुत टर्न मार देगा, घुमा देगा, तो क्या करोगे, आपको लगेगा कि दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझो, कभी कभी ना इस ऑस्मोटिक प्रेशर के जगह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख देगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकम एबनॉर्मल वाई, तो कंफ्यूज नहीं करना, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर के जगह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रूल होगा, सेम कॉज होगा उसके लिए भी, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर का एबनॉर्मल पूछे या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एबनॉर्मल पूछे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम बात होता है। तो आप ध्यान दो क्या होगा आपका आंसर, आपको करना होगा कि व्हेन ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन इट्स मॉलिक्यूल्स either associate or dissociate so that the number of molecules either decreases or increases and therefore
the osmotic pressure of solution become abnormal. जब किसी विलेय को, ध्यान से सुनना, जब किसी विलेय को किसी विलयन में घुलाते हैं तो इसके अणु संयोजित या वियोजित हो जाते, जिसके कारण अणुओं की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है, और यही कारण है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है और सामान्य हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन और कुछ न्यूमेरिकल्स। अब अधिक क्वेश्चन नहीं बचे हैं, एक क्वेश्चन आपका बच रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और दूसरा क्वेश्चन बच रहा है कुछ न्यूमेरिकल्स। चार पांच क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के बच रहे हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आज का टाइम समाप्त होने वाला है, अब उतना समय नहीं है कि हम ये सारे क्वेश्चन को आज के ही क्लास में कवर करें। तो इसलिए डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, दोनों में क्या होता है अंतर, और सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कौन कौन से है इंपॉर्टेंट, ये सब जानने के लिए न रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार, समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस।